नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं इवनिंग टी टाइम स्नैक्स और बच्चों की छोटी सी भूख भगाने वाली रेसिपी, जिसका नाम है साबुदाना चूड़ा, जिसे आप फास्टिंग में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। नायलॉन साबुदाने का चूड़ा बनाने के लिए या नायलॉन साबुदाने का नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है नायलॉन साबुदाने। ये रॉ साबुदाने हैं, इसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे। ये साइज में मटर के आकार के होते हैं और इसको सूखा होना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ मैंने लिए यहाँ पे थोड़े से करी पत्ते, 4 से 5 हरी मिर्चे जिसको मैंने काट लिया है, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा सा सूखा नारियल जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी सी पीसी हुई चीनी और थोड़ा सा सादा नमक। और अगर आप लोग ये फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग साबुदाने को डीप फ्राई करेंगे। नायलॉन साबुदाने को डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, याद रखें कि तेल यहाँ पे ज्यादा गर्म होना चाहिए। तेल यहाँ पे गर्म नहीं होगा तो साबुदाना फूलेगा नहीं। आइए चेक करते हैं तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है नहीं। हम लोग इसमें एक साबुदाना डालेंगे और देखेंगे, अगर साबुदाना फ्राई होके ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। हैंड से साबुदाने को हम लोग अंदर डालेंगे। बस कुछ ही सेकंड्स में साबुदाना यहाँ पे तलकर तैयार हो जाता है। बहुत ध्यान से हम लोग इसे तलेंगे, साबुदाना बहुत ही जल्दी से चटपटा भी लगता है। अभी ये साबुदाना डीप फ्राई होके तैयार हो चुका है। आइए अब हम लोग इनको निकाल लेंगे। इनको हमें लाल नहीं होने देना है, इसको हम लोग एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम लोग और साबुदाने को डाल के तल लेंगे। सारे साबुदाने यहाँ पे तलकर तैयार हो चुके हैं, इनको भी अब हम लोग सर्विंग बाउल में डाल देंगे। अभी इसी तेल में हम लोग मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है, इसे भी अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। जब मूंगफली चटपट आने लगे और उसके ऊपर का छिलका सेपरेट होने लगे तो समझना चाहिए कि मूंगफली यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। बस इसको छिलके का कलर चेंज होने तक ही हम लोग तल लेंगे। मूंगफली का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, आइए हम लोग इसे निकाल लेते हैं। इसी तेल में हम लोग हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च यहाँ पे फ्राई होके तैयार हो चुकी है। अब हम लोग तल लेंगे खोपरे को, यानी कि सूखे नारियल को। नारियल का यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, सारे नारियल को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम लोग फ्राई कर लेंगे करी पत्ते को। करी पत्ता यहाँ पे फ्राई होके तैयार हो चुका है, आइए इसे भी हम लोग सर्विंग बाउल में डाल देते हैं। सारी चीजों को मैंने यहाँ पे सर्विंग बाउल में साबुदाने के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ी सी पीसी हुई शक्कर और नमक। इसमें हम लोग डालेंगे 1 टीस्पून पाउडर शुगर, साथ ही में हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 2 चम्मच की सहायता से हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा साबुदाने का चूड़ा यहाँ पे खाने के लिए तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे एक बार ऐसे टॉस कर लें ताकि नमक और चीनी सारे साबुदाने के चूड़े में अच्छी तरह से लग जाए। थोड़े से साबुदाने मैंने यहाँ पे साइड में रखे थे, इनको आप और एक तरह से खा सकते हैं। इसमें डालेंगे हम लोग 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच पीसी हुई चीनी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस इन सारी चीजों को डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें डालेंगे मूंगफली और थोड़े से तले हुए करी पत्ते,
इनका हम लोग चूरा कर देंगे और इसे हाथ से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। हरी मिर्च के साथ लाल मिर्च वाला साबुदाने का चूड़ा भी यहाँ पे बनकर तैयार है। आप जैसे चाहे वैसे बनाकर इसे खा सकते हैं। आप इसे जब मन चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहें और खाते रहें। धन्यवाद।